एक चीज खाली सुन लीजिए, फिर हम सुनेंगे आपका। हम एक चीज कहेंगे अध्यक्ष महोदय, आप अब हाउस का जो भी अवधि है, अभी तो कम से कम लीगली कहिए कि ये नवंबर तक है, तो हम कहेंगे जरूर कि आप एक कोरोना को ध्यान में रखते हुए, हमारे नेता विरोधी दल का ध्यान है, सबका ध्यान है, तो आप एक कमिटी बना दीजिए ऑल पार्टी, वो कमिटी के साथ भी चर्चा होगी, जैसे हम लोग अन्य के साथ करते हैं, उनको भी बैठा करके हम लोग एक एक बात की चर्चा करेंगे, ताकि वे लोग भी अपना सुझाव दे सके और भी बेहतर काम हो सके। तो इसलिए सब कुछ कर दीजिए, मिल करके काम करना। तेजस्वी यादव कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, कमेटी बार बार कहा गया है लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी है। कोरोना वाले मामले में जो दवा खरीद हुआ या जो भी विधानसभा अध्यक्ष जी अपने अपील की थी, वो तो उस समय की बात हुई है जिस समय जो चल रहा था अगस्त महीने में कोरोना के मामले में, उसमें हमने सब लोगों को कहा था कि अपने अपने इलाके पर सब लोग सजग रहिए और सूचना दीजिए, और हमने ये कहा था कि सब लोग संपर्क में रहें, और अधिकारियों को भी कहा गया था, उन लोगों ने कहा था, विधायकों को तो हमने कह दिया था कि सभी विधायकों के भी कैसे भी जानकारी लेते रहिए, करते रहिए। तो ये सब बात तो हुई थी उस समय, लेकिन अभी तो कोरोना के मामले में उसके लिए जितना काम हो रहा है, जितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, और जितना ज़्यादा केंद्र का भी सहयोग मिला है और राज्य सरकार भी अपनी तरफ से जितने राशि का खर्च की है हर प्रकार से लोगों की सहूलियत के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाउस चलेगा, उसमें क्या बात वो करना चाहते हैं, कह रहे हैं, क्या बात है, उसको जरूर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी एक एक बात की जानकारी देंगे।